तर हामी उहाँका सन्तति आमोद प्रसाद उपाध्यायज्यू, डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र हाम्रो भारतीय राजदूतबाट राजदूतावासबाट पाल्नुभएका मेरा मित्र हाम्रो महेश अरोराज्यू र मञ्चमा आसीन प्रमुख व्यक्तित्वहरू, पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनबहिन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि आज हामी सबैको लागि धेरै गौरव र खुसीको कुरा छ। आज हामी यो कृष्णप्रसाद कोइराला सेवा गुठीको भारतीय राजदूत महामहिम जयेन्द्र प्रसादज्यूबाट सुसम्पन्न भइसकेको छ। यस पुनित अवसरमा म मेरो आफ्नो तर्फबाट र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकार तथा नेपाल भारतीय राजदूतावासलाई म आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र अहिले मैले यहाँ यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले यसको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सबभन्दा आमोद उपाध्यायज्यू शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि सिटिभिटी र यो व्यवसायिक तालिम केन्द्रको मोडालिटी पार्टनरसिपमा छ। हामी सिटिभिटीले हामीलाई कर्मचारी पनि दिएका छौँ। हामीले आजको यो भवन उद्घाटन समारोह अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि महामहिम भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्व शिक्षा मन्त्री आमोद उपाध्यायज्यू, डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, प्रदान गरिने समयमा सम्पूर्ण महानुभावहरूले तालिका स्वागत गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। नीता आचार्य जी, शांता बहादुर अधिकारी जी, तारानाथ गौतम जी, शिव राम पोखरेल जी, डॉक्टर शेखर कोइराला जी, आमोद प्रसाद उपाध्याय जी और डॉक्टर जय बहादुर टंडन जी, डॉक्टर नारायण शर्मा जी, विशिष्ट अतिथिगण, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि जो यहाँ आए हैं, आदरणीय शिक्षकगण, छात्राएं और नेपाल के भाइयों और बहनों, आप सबको हमारा नमस्कार। इस काम की शुरुआत कब हुई जिसका आज अनावरण हुआ, जब शैलजा आचार्य जी इस श्री कृष्ण प्रसाद कोइराला सेवा गुठी की संचालिका थी और इंजीनियर साहब ने बताया कैसे देरी हो गई इसको बनाने में, कैसे कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, कैसे कोई डिजाइन प्रॉब्लम थी शुरू में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ ये बन गया और आगे दूसरे काम में हम लोग लग पाएंगे। मेरा जो आप लोगों ने भव्य स्वागत किया यहाँ, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। ये हमारे एक फिल्म निर्देशक और एक्टर देवानंद जी थे जिनको नेपाल से बहुत प्रेम था और वो कहा करते थे कि नेपाल देश ईश्वर की कृपा से निर्मित सुंदर देश है। अंग्रेजी में कहते थे नेपाल इज अ गॉड गिफ्टेड कंट्री, और ये भी मैं मानता हूँ कि नेपाल की प्राकृतिक धरोहर इस प्रकार की है कि आसानी से नेपाल दक्षिण एशिया में तो सबसे धनी देश बन सकता है और जल्दी ही बनेगा जब यहाँ के राजनीतिक हालात सुधर जाएंगे।
भारत और नेपाल के संबंध बहुस्तरीय हैं, जैसा आपने सुना, और ICP का संगम है। ये तीनों काम विराटनगर में साथ साथ में हो रहे हैं। यहाँ हमने सुना कई तरह के सुझाव आए मंच से कि आगे हमें क्या काम करना है, और हम सहयोग का काम निरंतर करते रहेंगे आगे चल के जितना हमसे संभव हो सकेगा, और जितने काम हमारे पुराने हैं जो समाप्त होते जाएंगे उसकी समापन के बाद हम नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकेंगे। आप शायद सवाल पूछना चाहते हो कि हम लोग ऐसा यहाँ क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं, यहाँ हम परियोजनाएं इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि भारत की जनता और भारत के राजनीतिक नेता ये समझते हैं कि नेपाल की समृद्धि और नेपाल की उन्नति से ही भारत की प्रगति भी जुड़ी हुई है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा सिर्फ दो शब्द, नेपाल भारत मैत्री अमर रहोस। आजको नर्सिङ क्याम्पस भवन समारोहका उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष ज्यू, चिफ गेस्ट हिज एक्सिलेन्सी श्री जयन्त प्रसाद, पूर्व शिक्षा मन्त्रीज्यू श्री आमोद प्रसाद कोइरालाज्यू, पूर्व सभासद डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिज्यूहरू, भारतीय राजदूतावासबाट पाल्नुहुने प्रथम सेक्रेटरीज्यूको उद्घाटन भएको छ। यो उद्घाटन कार्यक्रमले डेभलपमेन्ट अफिसर मिस्टर शिवराम पोखरेल, I would like to remember the historical day that late Prime Minister of India, Mr. Chandrasekhar, had inaugurated the first building of our institution, and it has become unforgettable to Nepalese people. Sri Krishna Prasad Koirala Seva Guti has completed its 12 years of operation successfully. We are well aware that Sri Krishna Prasad Koirala Seva Guti is moving ahead with the policies and programs aiming to promote different technical education programs as well as short-term skill-based vocational trainings to unemploy semi-educated and non-educated people. Please allow me to address in brief the status and progress of the Seva Guti. A total of 719 students in different fields have passed out and are employed at government and private organizations. About 5% nursing graduates are employed in foreign jobs. Apart from this, total 805 poor households are benefited from short-term skill-based vocational training so far. The organization has given special emphasis to those trainings that have greater market demand and produce skilled human resources. Organization has thought of supporting women even in the marketing of their products and promote their entrepreneurship skills. We are grateful to the Government of India for financial support, equipment as well as furnishing to the nursing campus building at Sisganjada Morang. In particular, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Ambassador Mr. Jayanta Prasad for his valuable time and much hopeful for positive response from Government of India towards our request. We are grateful to the ex-Education Minister and Nepali Congress Central Committee member Mr. Amar Prasad Upadhyaya and Nepali Congress Central Committee member Dr. Shekhar Koirala for their precious time and contribution in this most memorable moment. I would also like to thank Member Secretary of CTEVT, Dr. Jay Bahadur Tandon, for his continuous support. On behalf of Board of Directors, I would like to extend a vote of thanks to Chief District Officer of Morang, Mr. Taranath Gautam, for giving his precious time in this program.
and also express my vote of thanks to Mr. Sivaram Pokhrel, local development officer of Morang, and all his staff for praiseworthy effort and contribution to our institution. I take this opportunity to express my sincere gratitude to the Government of Nepal, Board of Directors and Member of Sevaguti, Members of Management Committee of Nursing Campus Shishwani, Koshi Zonal Hospital, Biratnagar, and Council for Technical Education and Vocational Training, Kathmandu, for their continued guidance and generous support to Krishna Prasad Koirala Sevaguti. Likewise, I am grateful to the media person for their coverage of the Sevaguti's activities. In closing, on behalf of Sri Krishna Prasad